शिक्षा से जुड़ी बड़ी खबर, CBSE चेंज करने जा रहा है पूरे का पूरा सिलेबस। नेशनल लेवल पर पहली बार क्लास 1 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम को नए सिरे से तैयार करने का निर्णय लिया गया है। अधिकांश राज्यों से NCERT राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 4 विभिन्न सेक्टर में राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कहा है। राज्यों से मिलने वाले पाठ्यक्रम सुझावों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क NCF तय होगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जिला स्तर पर इनपुट के आधार पर तैयार किया जाएगा। आओ जानते हैं कैसा होगा नया सिलेबस। मंत्रालय ने शिक्षा की संसदीय समिति को पिछले दिनों बताया कि पहले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का पाठ्यक्रम आएगा, इसके बाद जिला स्तर पर भी परामर्श किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष और BJP सांसद विनय प्रभाकर सहस्त्रबुद्धे ने इंग्लिश अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बताया कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जुलाई के अंत तक जमा कर देगी। उन्होंने कहा कि इतिहास, भूगोल और साहित्य के सिलेबस में स्थानीय चीजों को भी शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए सिलेबस में नई शिक्षा नीति की झलक देखने को मिलेगी। किताबें बहुत मोटी हो इसकी जरूरत नहीं, बल्कि रुचिकार हो इसका ध्यान रखा जाए। प्रत्येक पाठ्य पुस्तक का ई टेक्स्ट बुक भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि छात्रों से भी इस बारे में फीडबैक लेना चाहिए। कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्र से क्लास 5 की पाठ्य पुस्तक तैयार करने के लिए कहना चाहिए। मेरे हिसाब से वह पाठ्य पुस्तक बहुत स्टीक होगी। उससे हमें एक आइडिया भी मिल जाएगा कि छात्र क्या सोच रहे हैं। दूसरी और तीसरी क्लास के लिए किताबें अमर चित्र कथा जैसी हों, क्योंकि कॉमिक जैसे 2-3 पाठ हों। कुछ पाठ को समझाने के लिए नाटकीय सहारा भी लेना चाहिए। उन्होंने पाठ्यक्रम के लिए लोकल कंटेंट के शामिल करने की भी बात कही। विनय प्रभाकर सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि इतिहास के विषय में 17 पाठ प्राचीन इतिहास से हो तो 3 पाठ स्थानीय इतिहास से भी जुड़ा हो। यह सिर्फ इतिहास ही नहीं, भूगोल और साहित्य के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। विनय प्रभाकर सहस्त्रबुद्धे ने कहा, मेरा मानना है कि जो भी सुनने में अटपटा लगे वो कविता पाठ्यक्रम में नहीं जानी चाहिए। जैसे कि 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी। कक्षा 1 की NCERT की हिंदी की किताब रिमझिम के 3rd अध्याय की इस कविता को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि ऐसी चीजों को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए और जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा स्वरोजगार, उद्यमी, बिजनेस प्रोसेस विषय स्कूल से ही पढ़ाए जाने चाहिए।